जीके न्यूज टुडे में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोडा टाउन के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जो जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल का है, आज फाइनल मैच चल रहा है। बीसीसीआई टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आज फाइनल मैच है फ्रेंड्स घाट और ग्रीन शाहीन डोडा के बीच में। लेकिन यहां पे लोगों की शिकायत है कि यहां पे ग्राउंड की बुरी हालत की है। यहां पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक सरपंच है, बाकी जो यहां पे शायकीन आए हुए हैं वो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। हमारे साथ है मुदस्सिर वानी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक लीडर हैं। मुदस्सिर साहब, आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं आप इस ग्राउंड के बारे में। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि दिन ब दिन इस ग्राउंड को जो है ठीक किया जाएगा, लेकिन ठीक तो दूर, यहाँ पर जो है दिन ब दिन खस्ता ही होता जा रहा है। और इस पर जो है आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भी किस्म की यहाँ पर कार्रवाई की जाए किसी तरह, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट शायद इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। वो पैसा तो देते होंगे, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ, कौन सा टैक्सेस है जो यहाँ पर चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो इनको रोक रही है कि इस ग्राउंड की तरफ तवज्जो ना दें। तो हमें जो है अफसोस होता है कि हम जो है यहाँ पर इस ऐसी सिचुएशन में खेलते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे खेल तो दूर की बात है, यहाँ पर जो है गर्दे गुबार से जो कहीं बीमार ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद है एक सरपंच है यहाँ पे बबोर एरिया के, सदीक अहमद। ये भी इनसे पूछें कि हम, कि सदीक साहब, क्या जो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं थ्री टायर सिस्टम के, आप पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके यहाँ पे डीडीसी चेयरमैन भी है, क्या उनसे कभी बात नहीं होती है कि क्या करना है इस ग्राउंड का? इस वक्त आप देखेंगे सरकार की एक नारा है कि नशा मुक्त भारत बनाना है और दूसरा खेलो इंडिया। नशा मुक्त भारत के लिए वहाँ पे तरह तरह की आपको गेमें खिलवा रहे हैं, आपको आप बाकी चीज़ों से आगाह कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलो, आप कबड्डी खेलो, बहुत सारी जो गेमें हैं। लेकिन अगर इसी जो हाल इस स्टेडियम का है, जो हाल इस ग्राउंड का है, अगर ऐसी हाल में यहाँ के बच्चे खेलेंगे तो मैं कहूँगा कि वो टीबी और कैंसर की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले आधे घंटे से मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब हवा चलती है तो पूरा गर्दा जो है उड़कर हमारे अंदर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जब अंदर डस्ट चली जाएगी तो उससे इंसान को टीबी तरह तरह की बीमारियां बनेंगी। लेकिन मैं आप चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करूंगा कि खुदारा इस नौजवान मुस्तकबिल को बचाने के लिए आप इस ग्राउंड को अच्छी तरह से तैयार करें। मैं आमिर तांत्रे, जेके न्यूज़ के लिए डोडा से।